हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए एक डिजिटल मल्टीमीटर जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का और यूनिटी कंपनी का होने वाला है। इसकी अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू जो मैं आपको देने वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बॉक्स को मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमें मिला है मल्टीमीटर जो कि डिजिटल मल्टीमीटर और LED जो इसके अंदर स्क्रीन में LED लाइट भी आई है। और यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो ओरिजिनल मल्टीमीटर आता है ना, बिल्कुल ओरिजिनल मल्टीमीटर मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बॉक्स खोलने के बाद जो है हमें इस प्रकार का मल्टीमीटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यह है हमारा मल्टीमीटर जो कि यूनिटी कंपनी का डिजिटल मल्टीमीटर है, जो कि आप जैसा कि इस मल्टीमीटर को देखते ही पहचान सकते हैं। इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होती है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की यहाँ पर होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं पहले अपना पुराना मल्टीमीटर यूज करता था जो कि पीले कलर का, जो नॉर्मल मार्केट में आपको मिलता है 70-80 रुपये का, जो भी आप कह सकते हैं, या 120 रुपये तक का, तो वो जो मैं यूज करता था। लेकिन इसको जो है मैंने ऑनलाइन यहाँ पर ऑर्डर किया और इसकी बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, हमने बॉक्स को ओपन किया और यहां पे आपको देखने को मिलता है फर्स्ट हमारा जो मल्टीमीटर, लेकिन उसके ऊपर आपको जो है ये मेन्यू कार्ड मिल जाता है, जो कि हालांकि सब लोग नहीं देखते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर जो कि ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको किस तरह से यूज करना और क्या क्या इसमें फंक्शन है सब कुछ मैंसन किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मल्टीमीटर जिसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। वाओ, क्वालिटी एकदम मस्त है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी अमेजिंग क्वालिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल मल्टीमीटर, इसके साथ जो है हमारा यहाँ पर रबर वाला जो सेफ्टी कवर भी मिला है, जिसके पीछे एक स्टैंड है, जैसे कि आप इसको यहाँ पे लगाकर आराम से रख सकते हो। और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइट जो है वो LED में आपको देख सकते हैं, ब्लू कलर की लाइट आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाती है डिस्प्ले में। और यहाँ पे जो ये होल्ड का बटन है, आप कोई भी वोल्टेज एम्पियर आप शो कर आप भूल ना जाए इसके लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये दोनों फंक्शन नॉर्मल मल्टीमीटर में नहीं मिल पाते हैं, जो पीला वाला आता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छी क्वालिटी का जो ये मल्टीमीटर, और ये कवर देख सकते हैं आप, रबर का एकदम मोटा कवर, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको फील होता है एक हाथ में लेने से, ओरिजिनल चीज़ देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन जो कि यहाँ पर मल्टीमीटर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो नॉर्मल मल्टीमीटर चाइना वाले जो होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो लॉन्ग लाइफ अच्छी और एक्यूरेसी जो बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको दो प्रोब्स भी देखने को मिल जाती है जो कि इस मल्टीमीटर के साथ यूज़ में आती है, तो इसके बगैर तो मल्टीमीटर यूज़ ही नहीं हो सकता दोस्तों। दोस्तों, हम इन प्रोब्स को खोल लेते हैं, और प्रोब्स जो नॉर्मल वाली सी है, तो आप देख सकते हैं बीच में जो दोस्तों आप देख सकते हैं कॉमन लिखा हुआ है, तो इसमें जो ब्लैक वाली प्रोब है उसको डाल देना। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ जो वॉल्यूम ओम्स मिली एम्पियर सब कुछ लिखा, और यहाँ पर जो 10 ये देख सकते हैं 10 एम्पियर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एम्पियर चेक करना हो तो आपको 10 एम्पियर में लगाना होगा, अदरवाइज वोल्टेज और जो भी आपको रेजिस्टेंस वगैरह चेक करना है, AC वगैरह, तो आपको जो है ये ओम वाले में लगा देना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। और यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को जो मैं देख सकते हैं आप बता सकते हो, यहाँ पर जो DC वोल्ट देखने को मिलता है, तो इसमें थोड़ा उल्टा सिस्टम है, उसमें उस साइड में जो है कि वो आपको DC देखने को मिलता है, और इस साइड में AC देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी सेल है। तो यहाँ पे 20 की रेंज में DC वोल्टेज मैंने सेट कर दिया, और यहाँ पे आपको जो है मैं वोल्टेज जो चेक करवा देता हूँ, फिर उस मल्टीमीटर से भी चेक करवाऊंगा। इस वीडियो में आपको कंपेरिजन भी देखने को मिलेगा कि आपको जो कौन सा मल्टीमीटर लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, या इन दोनों में कोई फ़र्क है भी या नहीं है, बस ऐसे ही हमको कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं 3.88 वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो अगर मैं इस पर लाइट लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो की लाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है दोस्तों ये हमको लाइट प्रॉपर देखने को नहीं मिल रही है, वरना अदरवाइज़ इसकी लाइट जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एम्पियर भी आपको चेक करवा सकते हैं हम यहाँ पर लगा कर, अगर आपको एम्पियर चेक करना हो तो आप एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो हमारे पास है पुराना वाला मल्टीमीटर जिसको मैं पहले यूज़ करता था, हालांकि मैं अभी इसी को यूज कर भी रहा हूँ, और अब इस नए वाले का भी यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्वालिटी में कितना डिफरेंट है, ये थोड़ा बड़ा भी, और देखने में ये जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल बेकार सा प्लास्टिक देखने को मिलता है, और इतना वो खास नहीं, और मल्टीमीटर का लुक भी अच्छा नहीं है, और बहुत ही क्या बताऊँ, वो आपको थोड़ा सा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 की रेंज में इसमें भी मैंने सेट कर लिया DC वोल्टेज पर, और यहाँ पे जो है आपको जैसा कि मैंने अभी नए वाले मल्टीमीटर में बताया था 3.88 वोल्टेज देखने को मिल रहा था, और इसमें आपको बताता हूँ मैं, देख सकते हैं आप 3.8283 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो कितना डिफरेंस है आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं दोस्तों, और ये नए वाले के अंदर और इसमें कितना जो एक्यूरेसी का डिफरेंस है। ये वाला जो मल्टीमीटर
येलो वाला जो सस्ता होता है मार्केट में मिल जाता है, इसकी जो एक्यूरेसी बिल्कुल कम होती है, ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 3.88 वोल्टेज आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जैसा कि मैंने आपको चेक कर बता दिया। तो दोस्तों अगर फिर भी आप ख़रीदना चाहते हैं इन दोनों में से, तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप जो है यूनिटी का ये नया वाला जो मैंने मल्टीमीटर परचेज़ किया ये ख़रीदें। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो आप ये ना खरीद कर आप चाहे तो पुराना वाला ये जो दूसरा मल्टीमीटर भी खरीद सकते हैं। इन दोनों के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो और ये मल्टीमीटर आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलता है किसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना सजेशन देना बिल्कुल भी ना भूलें।